हम लोगों ने रिएक्शन टर्बाइन और रेसिप्रोकेटिंग फॉर्म कवर किए हैं। टुडे वी विल स्टार्ट विद द साइंटिफिक फॉर्म सॉरी एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ माय कंटेंट व्हिच आई हैव टू कवर। सो फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड सर स्वान विल कंटिन्यू विद द थ्योरी एंड आई विल टेक ओवर द लैब। तो इफ आई एम करेक्ट आपकी दो लैब्स चाहिए, एक्सपेरिमेंट नंबर 4 और एक्सपेरिमेंट नंबर 8 सॉरी एक्सपेरिमेंट नंबर 7 है क्या आई गेस। सो आई विल कवर दोस एक्सपेरिमेंट एंड सर स्वान विल टेक ओवर द थ्योरी एंड ही विल कंप्लीट दिस कंटेंट ऑफ द रिमेनिंग कोर्स। सो साइंटिफिक पंप इट इज़ अ टाइप ऑफ द पम्प। लास्ट टाइम मैंने पम्प की थोड़ी सी डेफिनेशन आप लोगों के साथ डिस्कस की थी इनिशियली, तो विल रिवाइज दैट। इट इज़ अ मशीन विच इज़ कन्वर्टिंग द मैकेनिकल एनर्जी इन टू द हाइड्रोलिक एनर्जी। इट इज़ यूज वेन एवर यू हैव टू मूव द लिक्विड फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। तो जो हाइड्रोलिक एनर्जी है इस फॉर्म में इस केस में आप लोग इंड्यूस करें वाटर के अंदर एंड बेसिकली दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ द प्रेशर एंड ड्यू टू दैट प्रेशर विच इज वाटर हैविंग इट इज कैपेबल ऑफ कवरिंग द सर्टेन एलिवेशन डिफरेंस। इट इज़ रिक्वायर्ड वेन एवर यू हैव टू लिफ्ट द वाटर फ्रॉम द ग्राउंड सर्फेस टू हाई एलिवेशन हाई बिल्डिंग्स में या कहीं और हाई एलिवेशन पर आपने वाटर को डिलीवर करना है या आपने अंडरग्राउंड रिजर्वायर से वाटर को ग्राउंड सर्फेस तक पंप करना है। सो इट हैज टू कवर सर्टेन एलिवेशन डिफरेंस एंड फॉर दैट यू हैव टू इंड्यूस प्रेशर इन द वाटर and due to that pressure it is able to cover that elevation difference. So that is a pump basically. Now you have different types of the pumps which are available and the basic types of the pumps are listed over here. You have total line pumps which include centrifugal pump, reciprocating pump, turbine pump, submersible pump, pneumatic pump, rotary pump, tube pump, chain pump and pump turbine. Now, out of these lines, we will cover only first 4 in this theory of fluid mechanics. ठीक है, और इसमें से भी मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था कि हम लोग सेंट्रिफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप को इन डिटेल डिस्कस करेंगे while turbine pump and submersible pump will only be discussed very briefly. So, ताकि आपको उसका बेसिक आइडिया हो that what are these machines. We will not do the derivation for these two. So out of the centrifugal pump and reciprocating pump, we have already discussed the working of the reciprocating pump. ठीक है, उसी लेक्चर में अगर आप थोड़ा सा रिवाइज करें, मैंने टर्बाइन पंप और सबमर्सिबल पंप की भी एक स्लाइड ऐड की है, दैट टू जस्ट हैव द बेसिक आइडिया दैट व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ दीज मशीन्स विद रिस्पेक्ट टू द अदर वन। सो टुडे वी विल डिस्कस द फर्स्ट टाइप दैट इज द सेंट्रिफ्यूगल पंप एंड प्लीज मेक श्योर दैट एवरी पंप इज कन्वर्टिंग द मैकेनिकल एनर्जी इनटू द हाइड्रोलिक एनर्जी बट बेस्ड अपॉन द की फैक्टर the pump is named regarding that basic phenomena. Okay, so jab hum logon ne reciprocating pump discuss kiya tha, I have told you that reciprocating action is basically responsible for the conversion of energy from mechanical to hydraulic. Similarly, in centrifugal pump, centrifugal force is the key force which is converting the mechanical energy into the hydraulic energy. So you can get the basic idea by the name of the pump, that what could be the basic driving force in the conversion of the energies in that machine. Okay, so if you see the definition of the centrifugal pump, it is a pump which is converting the mechanical energy into the hydraulic energy by the action of the centrifugal force. ठीक है, अब ये फोर्स कैसे जनरेट हो रही है, which is produced by the rotation of the impeller. अब जब आपको और क्लियर हो जाएगा, then I will discuss the working and the components of this machine. तो सबसे पहले आप ये फिगर देखिए, आई हैव शोन अ सिंपल सेंट्रिफ्यूगल पंप केसिंग एंड इट इज हैविंग अ कट आउट ओवर हियर। ठीक है, अब इसके अंदर आपको बेसिक कंपोनेंट्स नज़र आ रहे हैं। दिस इज द डिलीवरी साइड ऑफ द पंप, दिस इज द सक्शन साइड जहाँ से वाटर मशीन के अंदर एंटर होगा। ठीक है, विद इन द केसिंग द कन्वर्जन विल टेक प्लेस एंड इट विल फाइनली डिलीवर आउट फ्रॉम द डिलीवरी साइड। अब इसको फर्दर हम इस स्कीमेटिक डायग्राम के थ्रू स्टडी करेंगे। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द सेंट्रिफ्यूगल पंप आर द सक्शन पाइप, मेन पंप एंड द डिलीवरी पाइप। सक्शन पाइप इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल टू डिलीवर द वाटर फ्रॉम द अंडरग्राउंड रिजर्वायर या जो भी लो एलिवेशन वाटर का स्टोरेज है, वहाँ से इसका फंक्शन है कि ये वाटर को सक करके मेन पंप में डिलीवर करेगा।
The conversion of the energies will take place in the pump, and finally the high pressure water will deliver out from the delivery pipe. Up in the three main components. And now these three main components are also having further very small components, okay, is ke function ko facilitate kar rahi hai. So if you see that in the suction pipe, the first component is the strainer. It is present at the foot of the suction pipe, and its main function is to strain the water which is coming from the reservoir towards the pump. It will make sure that no solid particle enters in the machine. It is basically keeping the machine safety in objective as well. If any solid part enter nahi hoga, to impeller ya uske jo bhi rotating parts hain, the movement restrict hone ke chances kam hain. It will strain the incoming water. Then we have the foot valve. Foot valve, isko foot valve isliye kehte hain because it is present at the foot of the suction pipe, and it will regulate the flow which is coming towards the suction pipe and towards the pump. Then we have the suction pipe, which is having the water which is coming with a negative pressure. Water basically negative pressure ki wajah se, vacuum ki wajah se suck ho raha hai. So this is having the negative pressure in the pipe. Then suction fan. It is a connection between the suction pipe and the main pump. And then we have the suction gauge, which is also termed as vacuum gauge. It is a bottom gauge which is fitted on the suction pipe, and it will measure the negative pressure with which the water is entering in the machine. So this is एक साइड पे इम्पेलर की दो साइड्स हैं. तो ऑन वन साइड यू हैव द सक्शन पाइप कनेक्टिंग विद द केसिंग, एंड ऑन द अदर साइड वी हैव द शाफ्ट. सो लेआउट कैन बी अरेंज्ड अकॉर्डिंगली. सो दिस इज द शाफ्ट व्हिच इज कनेक्टेड विद द मोटर, एंड ऑन द ऑपोजिट साइड वी आर हैविंग द सक्शन प्लांट थ्रू विच द वाटर इज कमिंग, एंड इट विल बी डिलीवर्ड एट द सेंटर ऑफ द इम्पेलर. इन दिस केस what is the conversion which pump will do? It will convert the mechanical energy into the hydraulic energy. So what is the mechanical energy? Mechanical energy is that energy which you will provide as input in this case. इस केस में जो शाफ्ट की रोटेशन है, that is the mechanical energy which will be transferred to the impeller. ठीक है, और शाफ्ट को आप रोटेशन कैसे ट्रांसफर बाय द okay. So in this case we will provide the mechanical energy with the help of the motor. ठीक है, तो जब भी घरों में हम लोग कहते हैं कि मोटर स्टार्ट करते हैं, बेसिकली उस मोटर के साथ पंप कनेक्टेड है. वेन एवर वी टर्न ऑन द मोटर, दैट इज सप्लाइंग द मैकेनिकल एनर्जी टू द पंप. इसकी वजह से ये शाफ्ट रोटेट करेगी, एंड विद दिस शाफ्ट द इम्पेलर इज कनेक्टेड. सो दिस इम्पेलर विल ऑल्सो रोटेट विद द रोटेशन ऑफ द शाफ्ट. नाउ the water which is coming from the suction pipe, that is initially resting on the blades of the impeller. Okay, jab aapne motor start ki, that will turn on, that will rotate the shaft, aur uski wajah se impeller rotation jab start hogi, to the water us pe rest kar raha, us pe kya effect aayega? That water which was initially resting on the blades of the impeller, okay, ab uspe kya effect aayega agar impeller rotation start ho gayi? That will move outward. Okay, जो वाटर उस ब्लेड से रेस्ट कर रहा था, अब वो आउटवर्ड मूव करना शुरू कर देगा. ठीक है, अगर वो आउटवर्ड मूव कर रहा है तो उसमें कौन सी फोर्स है? इट इज हैविंग द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप इम्पेलर की रोटेशन से लिक्विड के अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंड्यूस कर रहे हैं. ठीक है, अब अगर उसकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपने इंड्यूस की है, व्हाट इज द एनर्जी व्हिच वाटर इज हैविंग? द वाटर विल हैव द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द वेलोसिटी. सो इट मींस दैट विद द रोटेशन ऑफ द इंपेलर, वी हैव इंड्यूस्ड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन द वाटर, एंड दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इंड्यूसिंग द हाइड्रोलिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द वेलोसिटी इन द वाटर पार्टिकल. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट फेज ऑफ द कन्वर्जन. आपने मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर लिया है वाटर की वेलोसिटी में.
अब फर्दर आपने क्या करना है, दैट यू हैव टू कन्वर्ट द वेलोसिटी इनटू द इक्विवेलेंट प्रेशर, क्योंकि वाटर को एलिवेशन कवर करने के लिए प्रेशर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो आपने इस वेलोसिटी को फर्दर प्रेशर में कन्वर्ट करना है। फॉर दैट यू हैव प्रोवाइडेड द केसिंग अराउंड द इंपेलर। तो अगर केसिंग आपने प्रोवाइड की है, इट मीन्स दैट द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल विल बी रिस्ट्रिक्टेड। अगर उसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो रही है तो उसकी वेलोसिटी कम होगी, और वेलोसिटी के कम होने से उसका प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। सो सिंपली बाय प्रोवाइडिंग द केसिंग यू हैव इंक्रीज द प्रेशर। आपने वेलोसिटी को इक्वल प्रेशर में कन्वर्ट कर लिया है काफी एक्सटेंड तक बाय जस्ट प्रोवाइडिंग द केसिंग। ऑल्सो इन दिस केसिंग इज स्पाइरल केसिंग। स्पाइरल केसिंग क्या है, दैट फ्लो एरिया इज नॉट यूनिफॉर्म अलॉन्ग द फ्लो डायरेक्शन, इट इज वेरिंग। यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द फ्लो एरिया डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। Now in this case you have to increase the pressure. So अगर आपने pressure increase करना है water का या liquid का, तो आप क्या करेंगे, you will increase the flow area and you will reduce the pressure. Okay. So in this case we have provided the spiral case. It will increase the pressure and it will reduce the velocity in the water. Now finally the water will leave the casing with the high pressure and it will be delivered out from the delivery pipe. In the delivery pipe we have the delivery flange, which is the connection between the delivery pipe and the main pump. We have the delivery gauge, which is measuring the positive pressure on the delivery side. Then we have the delivery valve. It will regulate the flow on the delivery side, and finally through the delivery pipe, water will be delivered out to the overhead tank or to the higher elevation. So this is the main working. Now the same description is written in the next slides. अब इसमें एक component है जिसकी working हमने discuss नहीं की है. That is the stuffing box. Okay. So if you see this figure, I have shown you over here that this shaft, which is the which is the connecting point between the shaft and the impeller. Okay, in this case, mein shaft connected hai impeller ke saath, but with the casing as well. Shaft casing ko pass karke impeller ke saath aapne connect ki hai. So in this case, shaft is a rotating component and casing is a static component. Wo stationary hai. So aapne ek stationary component ko ek rotating component ke saath attach kiya hai. So it means that in this case you have to properly design this connection. You have to properly seal this connection. Agar aap free space rakhte hain between the shaft and the casing, it means that the rotation of the shaft can be maintained. Lekin us case mein water jo hai wo casing mein se leak karega, theek hai, and you cannot maintain the pressure in the casing. And if you keep it fully closed, to uske liye aapko isse proper connect karna padega, and in that case the shaft cannot rotate. So it means that you have to properly design this connection, and for that you are using stuffing boxes. Stuffing boxes are the boxes which are having the sealant material in them, and they can properly seal the connection between the impeller shaft and the casing. So the sealing material aapne fill kiya hai, which will not affect the rotation, but also it will avoid the leakage of the water from the casing. So this is the function of the stuffing box. नेक्स्ट इज द शाफ्ट, ठीक है। अब इसमें एक और कॉम्पोनेंट है, दैट इज द प्राइमिंग फनल। प्राइमिंग फनल को आप यूज करते हैं प्राइमिंग करने के लिए। प्राइमिंग क्या है ये मैं आपको भी आगे साइड में बताती हूँ कि प्राइमिंग क्या है। You know, we have different types of the casing of the centrifugal pump. So the first type is a volute casing. Volute casing is a simple spiral casing, which we have already discussed that its flow area is not uniform along the flow direction. Okay, ab iske mein is casing ka disadvantage kya hai, that there will be eddy formation which causes a loss of energy. This loss can be overcome by the further modification in the casing. So next is a vortex casing.
In this casing, an extra circular chamber is provided between the impeller and the casing, which reduces the eddy formation and hence loss of energy. The third type of the casing is a vortex casing with the guide blade. This is the most efficient one. In this case, we have provided the guide blades around the impeller. So it will properly guide the water from the impeller towards the casing. And in this case, we can easily maintain the minimum losses. And it is exactly opposite to the Stansted reaction turbine in its layout. The next, we have the manometric head. It is the head which is developed by the pump and it is measured by the bottom gauge provided on the suction and on the delivery side. Okay, so HD, that is the static delivery head, it is the sum of static suction head and the static delivery head. In dono ka sum hai. HFS is the frictional head loss in the suction pipe. HFD is the frictional head loss in the delivery pipe and is coming from the Darcy's equation FLV square by 2DD. Over here, V square by 2G on the suction side, it is coming through this equation. Similarly, HMD, that is the manometric head on the delivery side, and it is coming from this equation of HM. You know HM, you know HMS, in their simplification will give you this HMD. Okay? So you know, should know these equations for the manometric head. Now, this manometric head is basically used in the design of the pump when we know about the total static head. The work done by the centrifugal pump, and for this you again have to draw the velocity triangles at the inlet and outer tips of the vanes of the impeller. So same is done over here. It is on the similar basis what we have done initially. These are the velocity triangles at the inlet and outer tips. This is the same. You will find out the force. This is rho through Vw2. Now in this case, please make sure the work done per second to it is different here, that is work done per second by the impeller. This is basically the input energy. Okay, impeller to the rotations and basically that is your input energy for the machine. And the work done per wave supplied, it is produced by the pump. To be manometric head, the pump may produce, yeah, that is the output. Okay, so this is the difference over here. So their ratio will give you the hydraulic efficiency. Now, this is the priming. Priming is basically the process of filling the water from the foot valve to the delivery valve before starting the pump. So, इसमें आपने तीन parts fill करने हैं machine के तीनों parts fill करने हैं. That is the suction pipe, main pump, and the delivery pipe. So why it is required? You always have to fill the machine with water initially before starting it on. क्योंकि अगर आप machine को dry run कर रहे हैं, it will reduce its efficiency 1000 times. इसको आप मैथमेटिकली कैसे प्रूव कर सकते हैं दैट द पावर डेवलप्ड बाय द पंप दैट इज रो क्यू वी डब्ल्यू टू यू टू. अब इस केस में जो रो है दैट इज द स्पेसिफिक डेंसिटी सॉरी दैट इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इन द पंप. इफ यू आर हैविंग वाटर व्हेन इट इज रनिंग देन इट विल बी 1000 बट इफ इट इज रनिंग ड्राई विद द एयर देन इट विल बी 1. ठीक है, रो फॉर द एयर इज 1. So it means that the power or the work done per second by the pump will drop by 1000 times if it is running with the water, and that can be numerically justified by this formula. Now before starting the centrifugal pump, we can always switch on the small reciprocating pump through which you can fill this main pump and then you can start on its working. So that is a choice, otherwise we can also fill it manually. Now these are the efficiencies of the centrifugal pump. Manometric efficiency, it is the ratio of the manometric head to the energy supplied by the impeller. So eta m, jo bhi aapne hydraulic efficiency find kiya hai, basically that is the manometric efficiency. Then the mechanical efficiency, it is the ratio of the energy available at the impeller to the energy given to the impeller by the power source. And finally, the overall efficiency, that is the ratio of the output and input power in percentage. So this is the main efficiency. Further, this figure shows that what are the possible types of the losses when the water is moving from different parts. So you can see as well. Okay, next we have to find out the discharge to the impeller, and this is on a similar basis for what we have initially done for the reaction turbine. So equation of continuity will be applied, and Q1 and Q2 both will be created. Q1 is pi V1 Vf1, that is at the inner periphery of the impeller, and Q2 is pi V2 Vf2, that is at the outer periphery of the impeller. Just compare them. This is the equation. It can be used in the design to find out the missing parameters or the remaining parameters.
So now we will discuss that if you have more than one pump, then what will be the effect if you connect them in series or when you connect them in parallel. When you connect the pumps in series, इस केस में जो फर्स्ट पाइप पंप का डिलीवरी पाइप है दैट विल बिकम द सक्शन पाइप फॉर द सेकंड पंप. सिमिलरली द सेकंड पंप डिलीवरी पाइप विल एक्ट एज द सक्शन पाइप फॉर द थर्ड पंप. सो दिस इज हाउ इट विल कीप ऑन गोइंग एंड दिस विल रेज द हेड. तो जब आप पंप को सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं दैट विल इंक्रीज द हेड बट द फाइनल डिस्चार्ज विल रिमेन अनचेंज्ड. तो जो डिस्चार्ज के अमाउंट है दैट इज सेम व्हिच इज पासिंग थ्रू ऑल द पंप्स बट इट्स प्रेशर हेड विल इंक्रीज. But when you connect the pumps in parallel, in that case, the pressure head will remain same. It will not change, but the discharge will increase. So, जहाँ पे आपको discharge increase करना purpose है, you can install the pumps in parallel. And where the purpose is to increase the head, you can install the pumps in series. So, next topic is shut off head. It is the head which is developed by the centrifugal pump and the delivery valve is fully closed, and the pump is still in operation. So if you close the delivery valve, the head which is measured by this gauge on the suction and on the delivery side, that will give you the maximum head which is produced by the pump, and it is termed as shut off head. The next is specific speed of a pump. This is the equation for specific speed. It is n square root of u over h and raised to power 3 by 4, and this will give you the specific speed of the pump. Finally, you can use the specific speed in the design of the pump as well. इस chapter में हम इस content में हम लोग इसकी derivation cover नहीं कर रहे हैं, but you should at least remember the formula. The next is classification of the centrifugal pump. The first classification is based upon the casing, and this is what we have already discussed. The casing can be a simple volute or spiral casing. It can be a vortex casing, or it can be a vortex casing with that guide loop. So this is what we have already discussed. The next classification is based upon the stage, and the third is based upon the suction. So based upon the stage, stage means number of impellers. In the same casing, you can have more than one impeller. Okay, or its advantage kya hai? That the more times the water completes its cycle around the impeller, utni times uski jo energy hai. उसकी कन्वर्जन हो रही है उतने ही टाइम उसका जो प्रेशर हेड अब इंक्रीज हुआ है. सो वेयर एवर यू आर नीडेड टू इंक्रीज द प्रेशर हेड मोर यू कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ इंपेलर. सिंगल स्टेज सेंट्रिफ्यूगल पंप विल ओनली हैव वन इंपेलर व्हाइल अ मल्टी स्टेज विल हैव मोर देन वन इंपेलर एंड इट्स मेन फंक्शन इज दैट इट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द हेड इन द वाटर. जहाँ जहाँ पे एलिवेशन डिफरेंस ज्यादा है जो आपने कवर करना है वाटर के थ्रू यू नीड मोर प्रेशर हेड सो यू कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ इंपेलर. It is similar to attaching the pumps in series. Okay, next is based upon the suction. So, in this case, mein, difference kya hai that what is the point of delivery for the water in the impeller? Agar water sirf ek hi impeller ki ek side se aap deliver kar rahe hain impeller mein, then that is the single suction centrifugal pump. But if the water is supplied from both the sides of the impeller, then it is termed as the double suction centrifugal pump. Okay, so it will increase the area of the flow, so it will obviously increase the discharge which is coming in the impeller. Okay, next is maximum suction lift for the pump. Okay, it is HS maximum. ये आपको basically ये बता रहा है कि आप कितना maximum suction lift है वो provide कर सकते हैं. For this, consider the centrifugal pump which is having the suction pipe as shown in the figure. HS is the static suction lift. Ts is the diameter of the suction pipe, Ts square by suction pipe, and HFS is the sectional head loss in the suction pipe. Apply the energy equation between section 1 and section 2. So you have applied the equation, and over here, you have to see this. If P2 by gamma is more than or equal to vapor pressure by gamma, then HFS is HFS maximum. Okay, so मिनिमम ये होना चाहिए कि पी टू बाई गैमा जो है दैट शुड बी कैप्ट लेस एंड दिस रेट का प्रेशर. और मैक्सिमम लिमिट क्या है दैट इट बिकम्स इक्वल टू दिस. इट इज बेसिकली डन टू अवॉइड द चांसेस ऑफ द कैविटेशन. सो प्रैक्टिकली एज एस मैक्सिमम कैन रेंज बिटवीन 28 to 30 feet एंड इट शुड बी लेस देन 33.9. तो आपने इससे कम ही रखा हुआ है टू अवॉइड द चांसेज ऑफ द वेपराइजेशन या कैविटेशन.
The factors which affect the maximum suction include are atmospheric pressure, vapor pressure of the liquid, suction in the suction pipe, velocity head in the suction pipe. Now in the numerical problem, we will first practice this HS maximum. ठीक है, इसमें आपको सारा डाटा गिवन है. यू हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम सक्शन लिफ्ट. दिस इज द फॉर्मूला फॉर एच एस मैक्सिमम. सो रिमेनिंग डाटा इज गिवन. जस्ट कन्वर्ट देम इनटू इक्विवेलेंट हेड. पुट देम इन द फॉर्मूला एंड इट विल गिव यू दिस वैल्यू ऑफ द एच एस मैक्सिमम. सो दिस इज ऑल्सो रिगार्डिंग द पंप. इसमें आपने डिस्चार्ज फाइंड करना है पंप का. सो रिमेनिंग ऑल द डाटा इज गिवन टू यू. सो इट इज क्वाइट सिंपल. आई हैव अटैच्ड द सॉल्यूशंस ऑफ द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. Just go through with these are quite easy. Stop dating the sum. Okay, so finally your assignment number 4. So please make sure I have already shared the slides. I have shared the audio recording and assignment sheet with you as well. This is the last topic from my content. So mera jo part hai is course ka wo complete ho gaya. Okay, so aap please koshish karein that you start working on the assignments as soon as possible. मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो साइको मोटर वीक का फर्स्ट डे है उस दिन आप लोगों की पूरी असाइनमेंट की सबमिशन है. ठीक है, तो यही आई हैव गिवन यू टोटल 5 असाइनमेंट्स ऑफ दीज थ्योरी टॉपिक और इसके अलावा सी ई पी है. ठीक है, तो सी ई पी और इन असाइनमेंट की सबमिशन साइको मोटर वीक के फर्स्ट डे पे आई थिंक दैट इज 12th इफ आई एम करेक्ट. ठीक है, डेट आप कन्फर्म कर लीजिएगा. जो भी फर्स्ट साइको मोटर वीक का पहला दिन है उस दिन आके आप लोगों ने सबमिट करवानी है. You will submit all of my 5 assignments in one folder. एक ही binding में आपने ये 5 assignments order में arrange करके ये मुझे submit करवाने हैं. ठीक है, also CEP will be submitted separately. वो group submission है, वो भी आपने submit करवाने हैं. So this is regarding today's lecture. अब अगर आप लोगों के questions हैं, we can discuss them one by one. तो आप पूछ सकते हैं. तो questions आपके हैं तो kindly discuss them with me. Ma'am, I texted you even that there was an issue of Dougherty addition. So the answers you have given us are not matching with the questions of the addition which we are doing. Yes. Answers हाँ ये बच्चे बच्चे पे सुन लें. जो specially जो assignment number 1 है आपकी उसमें ये issues हैं that the answers may not exactly match with the answers that you will get. ठीक है. उसमें कुछ ना टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है आंसर में. तो अगर आपका बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है तो आप मेरे से आंसर को कंफर्म कर सकते हैं. ठीक है, तो अगर आपका प्रोसीजर करेक्ट है या अगर कोई टाइपिंग मिस्टेक मिलियन पे है तो वो हम करेक्ट कर सकते हैं. स्पेशली इन द फर्स्ट असाइनमेंट यू कैन एक्सपेक्ट द चेंजेस इन द आंसर्स. लेकिन वो डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होगा. देयर कैन बी अ स्लाइट डिफरेंस. सो अनलेस योर प्रोसीजर इज करेक्ट यू कैन रिलाई ऑन योर आंसर. एंड देन वन मोर थिंग दैट शुड वी एक्सपेक्ट द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन आवर पेपर्स. एंड व्हाट अबाउट द डेरिवेशंस. डेरिवेशन जो जो आप लोगों ने थ्योरी में किया है व्हाट एवर आई हैव गिवन इन द स्लाइड जो कुछ भी आपने अपने थ्योरी में पढ़ा है वो आपके कंटेंट में इंक्लूड है. उसमें से कुछ भी पेपर में आ सकता है. ठीक है, और मैंने कोशिश की है यही कि बेसिकली कंटेंट आपका वही है ना स्पेशली रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स जो आप लोगों ने न्यूमेरिकल्स असाइनमेंट में किए हैं जो क्लास में किए हैं. तो मैंने कोशिश की है कि जो असाइनमेंट्स में गिवन है मोर और लेस उस तरह का कोई एक एक टाइप का क्वेश्चन आपके लेक्चर्स में भी हो. ठीक है, तो बस जो आपने क्लास में पढ़ा है डेरिवेशन स्पेशली आपने जो इंपैक्ट ऑफ चेक वाले चैप्टर में वो सारी डेरिवेशन ही हैं. ठीक है, तो वो इंक्लूड हैं. तो आपका मिड और एंड सेपरेट होगा. तो मिड टर्म के कंटेंट में मेरी तरफ से सिर्फ वो चैप्टर ही है सारी डेरिवेशन हैं. सो दे आर इंक्लूडेड वट एवर वी हैव कवर्ड इन द क्लास एवरीथिंग इज इंक्लूडेड. ठीक है, ओके मैम, थैंक यू. चले साथ साथ टाइम में आपकी अटेंडेंस मार्क कर लेती हूँ. फर्दर किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज फील फ्री टू डिस्कस इट विद मी. ओके, सीबी सेबल 1, सीबी सेबल 2, सीडी सेबल 2 प्रेजेंट.
क्लास अब आई होप कि आप लोगों में से मेजोरिटी ने रजिस्टर कर लिया है सब्जेक्ट, क्योंकि थ्योरी का पार्ट मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया है. तो आई एम प्लानिंग टू एंटर ऑल दी अटेंडेंस ऑफ द थ्योरी लेक्चर्स ऑन LMS. ठीक है, तो कोशिश करें कि जिसका अभी भी रजिस्टर नहीं हुआ वो रजिस्टर करें, क्योंकि बार बार अटेंडेंस को क्रॉस चेक करके दोबारा एंटर करना, अब जिसने अभी रजिस्टर नहीं किया ऑब्वियसली उसके अभी एंटर नहीं हो सकती, वो फिर आपके पार्ट पर डिले जाएगा. कोशिश करें कि अगर किसी का रह गया है किसी इशू की वजह से, वैसे भी अब आपके एग्जाम्स हैं, तो कोशिश करें कि इसको जल्दी आप रजिस्टर कर लें. ठीक है, क्या चले? ओके, रोल नंबर 1 प्रेजेंट मैम. ओके, 2 प्रेजेंट. 3 रोल नंबर 3 4 प्रेजेंट.